आप 35+ हो चुके हो, आपके पेट के आसपास और कमर के आसपास जो चर्बी है उसका पूरा टायर बन चुका है और आप उस चर्बी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज पर फोकस करने की जगह पर आपको फोकस करना चाहिए इन 7 आदतों पर, जिन आदतों को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आपको लगेगा एक शौक कि सर आप तो हमेशा कहते हो कि एक्सरसाइज करो और आप खुद भी बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो, ऐसा हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस में और रील्स में देखा है, और आज आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज छोड़ दो। दोस्तों यकीन मानिए कि आप जो एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे हैं ना, अगर उस एक्सरसाइज के साथ में जो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है उस पर फोकस नहीं करोगे तो आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रह जाओगे और वजन जो है वो आपका टस से मस नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, वो सभी ये बात कहते हैं कि जिम के अंदर या एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपकी बॉडी पर 20% रिजल्ट आता है और बाकी जो 80% जो रिजल्ट आता है वो आता है आपकी लाइफस्टाइल का। आप क्या खाना खाते हो, आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आप किस तरीके से अपनी बॉडी को रेस्टिंग स्टेज में लेकर के जाते हो और किस तरीके से अपनी प्रॉपर नींद को पूरा करते हो। So, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 7 ऐसी आदतों के बारे में बात करूंगा जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में इस्तेमाल करोगे, इन्हें शामिल करोगे और एक्सरसाइज अगर नहीं भी करोगे ना तो भी आपके वजन को कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो टिप नंबर 1 जो दोस्तों मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो है आपको अपने खाने को पूरी तरीके से और अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि हम टाइम की कमी होने की वजह से या फिर भागम भाग वाली जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से खाने को अच्छे से च्यू करके नहीं खाते हैं और ऐसे ही निगलते जाते हैं, गल्प करते जाते हैं। जब आप खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते हो, उसे ऐसे ही निगल लेते हो, सीधा सीधा हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये चर्बी हमारी कमर पर, हमारे पेट पर, हमारी जांघों पर और हमारे हिप्स पर हमें दिखाई देती है। टिप नंबर 2 आता है कि अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद को अपने रूटीन में शामिल करना है। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे रूटीन में अगर हम शामिल करते हैं तो हमारे वजन को कम करने में हमें मदद मिलती है। त्रिफला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप गार्सिनिया कंबोजिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली जीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद के अंदर प्रूवन है कि ये आपके वजन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन बहुत बार नॉलेज ना होने की वजह से या फिर नॉलेज होता है लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक रेडी टू यूज एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिकमेंड कर रहा हूं जो आप अपने रूटीन में अगर शामिल करेंगे तो आपके वजन को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फाइटिका ब्रांड के लैटेट मेल्ट के बारे में। फाइटिका ब्रांड का जो लैटेट मेल्ट है, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं क्योंकि इससे मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके अंदर 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से रुके हुए वजन को भी आप बहुत आसानी से कम कर सकते हो, क्योंकि ये जो हर्ब्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर ना सिर्फ फैट को डिसॉल्व करते हैं बल्कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिलती है हमारे रुके हुए वजन को कम करने के लिए। अगर मैं हर्ब्स की यहां पर बात करूं तो इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया है जो कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, त्रिफला एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्मूथ करता है और शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स जो जमा है उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, काली जीरी है जो किसी भी तरह से आपके शरीर के अंदर जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करती है, और पेपरिन है जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों का जो एब्जॉर्प्शन है वो शरीर में अच्छे से हो पाता है। एक टैबलेट सुबह खाना खाने से पहले और एक टैबलेट रात को डिनर करने से लगभग आधा घंटा पहले आप खाइए और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स दे रहे हैं। इनके साथ साथ बाकी जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ उनको भी आपको फॉलो करना है। सो इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर कि एक बार ज़रूर जाएं, चेकआउट करें, अगर आप कन्विंस होते हैं तो मेक श्योर परचेज करने के बाद ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। नंबर 3 जो टिप आता है दोस्तों वो ये कि आपको अपने रूटीन में बैलेंस्ड डाइट लेनी है।
बहुत बार ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे ही थोड़ा सा वजन बढ़ने लगता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अपनी डाइट से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी देती है। अगर आपने वही कम कर दिया तो डेफिनेटली कुछ दिनों तक तो आपको ठीक अनुभव होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी, आपकी स्किन में ढीलापन आने लगेगा, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके नाखूनों में लाइन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और यही तो होता है, जब बहुत सारे पेशेंट से मैं बात करता हूं कि आपने वजन कैसे कम किया तो कहते हैं हमने क्रैश डाइटिंग किया था। क्रैश डाइटिंग मींस कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ कर देना। फैट की अगर मैं बात करूं तो आंखों को स्मूथली पलक चिपकाने के लिए, जोड़ों को स्मूथली मूवमेंट करने के लिए, स्किन को चिकनाहट देने के लिए फैट तो चाहिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर में जो हॉर्मोन्स है उन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फैट चाहिए होता है। तो अगर आप फैट भी अपनी डाइट से कम कर दोगे तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। सो मेक श्योर बैलेंस्ड डाइट लें, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, कट ऑफ ना करें, फैट को रिड्यूस करें। आप चीज कम कर सकते हो लेकिन देसी घी खाइए। देसी घी से आपका वजन बढ़ता नहीं है बल्कि आपके धीरे धीरे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और आपके शरीर के अंदर आपको वजन बैलेंस होता हुआ नजर आता है। सो बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है। नंबर फोर अगर मैं टिप की बात करूं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं उनको सामना कर रहे होते हैं, उनका फेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास इमोशनल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल कुछ स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ लोगों पर सोशल स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम फिजिकली अनफिट होना शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को कैरी ना करें, उस स्ट्रेस को आप सबसाइड ना करें, उस स्ट्रेस को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए आप उस स्ट्रेस को भूल जाओगे, लेकिन आपकी स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेबिलिटीज जब तक नहीं बढ़ेंगी तब तक ये स्ट्रेस बार बार आपको परेशान करेगा। सो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आप आपके स्ट्रेस को बहुत आसानी से कम कर पाओगे और आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से, अब बहुत विकट से विकट परिस्थिति भी अगर आ जाती है तो डिस्टर्ब नहीं होते हो। मेडिटेशन के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कैंडल गेजिंग करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए। त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मोमबत्ती को या दीपक को अपनी आंखों के सामने रखते हैं और उसकी लौ पर आप एकटक होकर के देखते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाते हो आपके मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है और आप धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। और जिन चीज़ों की वजह से आप पहले डिस्टर्ब हो जाते थे अब उन चीज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब नहीं होते हो। सो मेक श्योर इसे अपने हिस्से को, अपने लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएं। टिप नंबर 5 आता है दोस्तों कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अभी सुनने में तो बहुत फैंसी वर्ड है लेकिन हमारी हिंदुस्तानी जो जीवन शैली है उसका ये अभिन्न हिस्सा रहा है। रात को जल्दी खा लेना और सुबह जल्दी उठ करके लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद खाना, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लगभग 12 से 16 घंटे का समय मिल जाता था बिना खाए हुए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता था, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता था और नेचुरली हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स बनना शुरू हो जाते थे। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? सो एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में बनने वाले वो नेचुरल हॉर्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें फील गुड फैक्टर आता है, मतलब हमें अच्छा अच्छा फील होता है। कभी देखा होगा ना आपने कि आप सुबह उठे और आप परेशान हैं, ऐसे ही डिस्टर्बड हैं, जबकि किसी से कोई बात नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, लेकिन किसी दिन आप उठते हो तो आपका मूड बहुत अच्छा होता है। आप कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गाना गुनगुना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और वो गाना रात तक आपकी जुबान से हटता नहीं है। तो यही तो है एंडोर्फिन्स का कमाल। एंडोर्फिन्स जब हमारे शरीर में रिलीज होते हैं तो उनकी वजह से हम नेचुरली हैप्पी रहते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल हैप्पी हार्मोन है। तो जितना ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप रिलैक्सेशन दोगे उतना ज़्यादा वो खुद से एंडोर्फिन क्रिएट करेगा, और एंडोर्फिन जितने ज़्यादा क्रिएट होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे रहते हो, आपका मूड बहुत ज़्यादा लाइट रहता है। और जब मूड लाइट रहेगा आप खाना पे कंट्रोल करोगे, खाने पे कंट्रोल करोगे तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये एक पूरी सीरीज है, ये पूरी चेन है जिसको हमें समझना जरूरी है। टिप नंबर 6 आता है कि आपको अपने
शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। बहुत बार ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो बहुत तरह के चूर्ण खाते हैं, बहुत तरह की टैबलेट्स खाते हैं, बहुत तरह के लेक्सेटिव सिरप्स लेते हैं, फिर भी उनका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होता। क्योंकि आज के समय में आपके शरीर पर जितनी भी दवाइयाँ आप डाल रहे हो, आपका शरीर उनके लिए इम्यूनिटी क्रिएट कर लेता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयों की जगह पर कच्चे खाने पर फोकस कीजिए। आप जितनी भी रेशेदार सब्जियां हैं जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है, उनको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जब आप उनको अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखोगे आप बिना किसी लैक्सेटिव के, मतलब बिना किसी दस्तावर प्रोडक्ट के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पा रहे हो और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है। आप पत्ता गोभी खा सकते हो, मूली खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो। इनमें बहुत सारा रेशा होता है और ये आपके शरीर को इंटरनली क्लीन करने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 7 और नंबर लास्ट आता है, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। जितना ज्यादा आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखोगे, जितना ज्यादा आप अपनी दिनचर्या में पानी का इंटेक करोगे, उतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपके वजन को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पानी को भी ज्यादा पिए, ताकि आपकी जो कोशिकाएं हैं वो डिहाइड्रेटेड ना फील करें। जब वो डिहाइड्रेटेड फील करती हैं तो एक्चुअली आपको भूख नहीं लग रही होती है, लेकिन फिर भी आपको पेट से कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप खाना खा जाते हो और फिर वही वेट गेन होना आपका शुरू हो जाता है। तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, ताकि आप अपनी वेट लॉस की जो यात्रा है, वेट लॉस की जो जर्नी है, उसे स्मूथली क्लियर कर सकें और आप बेहतर ढंग से अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करना है। आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बाकी की जो 80% लाइफस्टाइल है उस पर काम करना है। अच्छी नींद लीजिए, बाहर घूमने जाइए ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिले, और साथ के साथ में कुछ अच्छा पढ़िए। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो कुछ अच्छा अच्छा पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये नेचुरल टिप्स जो कि वजन को कम करने में आपको यकीनन बहुत ज्यादा मदद करेंगी, आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।